नमस्कार दोस्तों, मैं जा रहा हूँ गेटवे ऑफ इंडिया जाने के लिए। सबसे पहले आपको दादर रेलवे स्टेशन जाना पड़ता है। दादर रेलवे स्टेशन से आपको ट्रेन चेंज करके मुंबई चर्च गेट वाला ट्रेन, लोकल ट्रेन पकड़ने का रहता है। तो चलो दोस्तों, मैं भी जा रहा हूँ चर्च गेट। तो दोस्तों, मैं आ गया कुर्ला रेलवे स्टेशन से मुझे जाना है दादर। दोस्तों, आप सब लोग देख सकते हो कितना यहाँ पर पब्लिक का रश रहता है। देख सकते हो कितने लोग यहाँ पर आते हैं, समझो संडे के दिन पर। आप सब दे सकते हो, चलने की भी जगह चला भी नहीं है यहाँ पर। चलो दोस्तों, जाते हैं दादर रेलवे स्टेशन। ये हमारी ट्रेन आ गई है। अरे अभी मैं पहुँच गया दादर रेलवे स्टेशन। दादर रेलवे स्टेशन से मुझे चर्च गेट फास्ट वाली ट्रेन पकड़ना है। चर्च गेट वाली फास्ट वाली ट्रेन मुझे डायरेक्ट चर्च गेट जाना है। तो चर्च गेट वाली फास्ट ट्रेन पकड़ लेता हूँ। चलो, चर्च गेट रेलवे स्टेशन उतरने का, चर्च गेट रेलवे स्टेशन उतरने के बाद बाहर ही आपको ऑटो, टैक्सी या फिर बस आपको मिल जाएगी चर्च गेट ले जाने के लिए। चलो दोस्तों, अभी फिलहाल मैं आ गया हूँ चर्च गेट रेलवे स्टेशन। चर्च गेट रेलवे स्टेशन से अभी मुझे जाना सीधा, और सीधा जाकर मुझे यहाँ से लेफ्ट में टर्न लेना है। चलो, देख सकते हो मैंने लेफ्ट में टर्न लिया। लेफ्ट में टर्न लेते ही बाहर की तरफ आप सब लोग देख सकते हो टैक्सी वाले खड़े, 10-10 रुपये टैक्सी वाले लेंगे। और टैक्सी से नहीं जाना चाहते हो, आप बस से भी जा सकते हो, 5-5 रुपये बस वाला लेगा, बस का टिकट। आप सब लोग देख सकते हो सामने बस खड़ी है। बस में देखो यहाँ पर देख, गेटवे ऑफ इंडिया लिखा हुआ दिख रहा है आपको सामने। 112 नंबर की बस है, डायरेक्ट स्टेशन से बाहर आने का। आपको बस टैक्सी दो फैसिलिटी मिल जाएगी वहाँ तक जाने के लिए, और बिल्कुल इजी रास्ता है। मैंने आपको बिल्कुल इजी स्टेप में समझाया वहाँ कैसे पहुँचने का। दोस्तों, आप सब लोग देख सकते हैं अभी फ़िलहाल मैं आ गया हूँ मैं बस के अंदर। अभी मैं जा रहा हूँ गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ। चलो दोस्तों, चलते हैं। आप देख सकते हो मेरे हाथ में टिकट है बस का, देख सकते हो। चलो दोस्तों, अभी आगे जाते हैं। और मैं अभी फ़िलहाल बस से होकर मैं आ गया हूँ चर्च गेट से गेटवे ऑफ इंडिया जाने के रास्ते पर। अभी मैं गेटवे ऑफ इंडिया के बिल्कुल नज़दीक आ गया हूँ। ये बाहर की तरफ गेटवे ऑफ इंडिया कैंटीन है। अभी थोड़ा आगे जाते हैं हम लोग। दोस्तों, आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ सीधे से, यहाँ से सब लोग जा रहे हैं ना, उस तरफ से गेटवे ऑफ इंडिया जाने का रास्ता आता है। देख सकते हैं आप सब लोग, मैं भी उसी की तरफ जा रहा हूँ। दोस्तों, आज संडे है, प्लस में साथ ही साथ 26 जनवरी है। तो यहाँ पर भी आज आपको पब्लिक का रश बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस दिन के, दिन के ऊपर 26 जनवरी आती है। मैंने आपको बताया था मैं 26 जनवरी को जाने वाला हूँ। तो आज 26 जनवरी संडे है, और मैं यहाँ पर वीडियो शूट करने के लिए आया हूँ। आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पर लाइन में जाने का है। मैं देख सकते हो मैं पहुँच गया हूँ बिल्कुल नज़दीक। और ये देख सकते हो आपके सामने है गेटवे ऑफ इंडिया। देख सकते हो कुछ इस तरह का ये गेटवे ऑफ इंडिया है। दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ पर कैसे जाने का और क्या है उसकी हिस्ट्री, उसके बारे में थोड़ा बहुत मेरी नॉलेज के हिसाब से बताऊंगा। तो चलो दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ कुछ गेटवे ऑफ इंडिया की हिस्ट्री। गेटवे ऑफ इंडिया क्यों बनाया गया, किसकी याद में बनाया गया है, और कौन सी वजह से बनाया गया, वो सब चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगा। और गेटवे ऑफ इंडिया का क्या महत्व है, वो सब चीज़ें जानकारी दूंगा। सपनों का शहर सिर्फ इसलिए ही नहीं कहा जाता है मुंबई को क्योंकि यहाँ बॉलीवुड शहर है, बल्कि इसलिए कहलाता है क्योंकि पर्यटकों के लिए भी आकर्षक केंद्र है। मुंबई की इन्हीं प्रसिद्ध आकर्षक केंद्रों से में से एक मुंबई की शान गेटवे ऑफ इंडिया है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध आकर्षक और केंद्र है, साथ ही साथ मुंबई का प्रमुख लैंडमार्क है। जो भी इस शहर की यात्रा के ऊपर जाता है वो गेटवे ऑफ इंडिया की सुंदरता को देखना नहीं भूलता है। भारत का गर्व होने के साथ ही साथ गेटवे ऑफ इंडिया कुछ ऐसी जरूरी बातें भी है जो शायद आपको पता नहीं होगी। चलिए आज हम सब मुंबई के बारे में जानते हैं, जो शायद आपको उसके बारे में कुछ ऐसी बात है जो पता नहीं होगी, उसके कुछ दिलचस्प तथ्य। गेटवे ऑफ इंडिया को मुंबई का ताजमहल के रूप में संबोधित किया जाता है। यह इस शहर का महत्वपूर्ण लैंडमार्क है और ऐतिहासिक रूप से प्रासंगिक पर्यटकों का मुख्य आकर्षण केंद्र है।
बहुत समय पहले गेटवे ऑफ इंडिया मछुआरों द्वारा कच्चे घाट की तरह इस्तेमाल किया जाता था। बाद में पुनर्निर्मित कर ब्रिटिश अधिकारियों ने अन्य महत्वपूर्ण हस्तियों द्वारा अपने अवतरण स्थल के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण भारत सैनिक वास्तुकला का उपयोग करके बनाया गया है, जो गुजरात और इस्लामिक वास्तु सैनिया को मिश्रण है। उन दिनों यह शैली काफ़ी प्रचलित थी। जब क्वीन मेरी और किंग जॉर्ज मुंबई की यात्रा पर गए थे, उनकी यात्रा के उपलक्ष्य में सन 1911 में इसका स्मारक की नींव रखी गई थी। हालांकि स्मारक की नींव सन 1911 में रखी गई थी, पर संरचना की डिज़ाइन सन 1914 में मंजूरी मिली थी। गेटवे ऑफ इंडिया का डिज़ाइन जज वॉटर के द्वारा तैयार किया गया था, जो एक स्काटिक आर्किटेक्ट थे और जिन्होंने सबसे ज़्यादा मुंबई में ही काम किया है। गेटवे ऑफ इंडिया पीले वाल्स्ट और मजबूत कंक्रीट में बनाया गया है। जमीन तल से संचार में ऊंचाई लगभग 26 मीटर ऊपर है। इसकी दीवारों को खूबसूरत जाली के काम से सजाया गया है। और दोस्तों, साथ ही साथ ये भी कहा जाता है, जब ब्रिटिश राज खत्म हुआ तभी सभी ब्रिटिश यहाँ से ही ब्रिटेन के लिए गए थे। तो दोस्तों, ये तो थी मेरे द्वारा आपको थोड़ी बहुत मुझे जो पता थी उसी के हिसाब से मैंने बताई हुई जानकारी, जो मैंने आज आपको हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम के द्वारा आपको इसे बताया। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। और आप अगर हमारे चैनल में नए हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों हम ऐसे ही कुछ ना कुछ टेक्निकल रिलेटेड ट्रैवलिंग वाले या फिर कुछ हेल्थ रिलेटेड बातें वाले वीडियो इसमें अपलोड करते रहते हैं। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले नए आने वाले वीडियो के साथ। अभी फ़िलहाल दीजिए मुझे इजाज़त, ताकि दोस्तों मैं अगले आने वाले वीडियो शूट कर सकूँ। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले आने वाले वीडियो के साथ।